वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से मिरेकल में प्रोडक्शन और ऑटो प्रोडक्शन ऑप्शन का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रोडक्शन इन्वेंटरी को मेंटेन रखना अति आवश्यक होता है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितना रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है, कितनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स प्राप्त होती है, यदि कोई बाय प्रोडक्ट्स एंड को प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हो तो उसकी डिटेल्स, और यदि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान वेस्टेज निकलता हो तो ऐसी सभी डिटेल्स को इस ऑप्शन के द्वारा मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए सेटअप को एक्टिवेट करते हैं और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेटअप मेन्यू में कंपनी सेटअप में जाकर एडवांस सेटअप कैटेगरी में प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन पर डबल क्लिक करके सेटअप को एक्टिवेट करेंगे, फिर एस्केप प्रेस करके सेटअप को सेव करेंगे। अब मान ले कि कंपनी मैक्स दो तरह के वाटर प्योरीफायर के मैन्युफैक्चरर है, जो प्योरीफायर के पार्ट्स खरीद के उसे मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। तो वाटर प्योरीफायर में यूज किए जाने वाले सभी कंपोनेंट्स को हमने प्रोडक्ट मास्टर में ऐड कर दिया है और साथ ही फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर दिया है और खरीदे गए कंपोनेंट्स के परचेस बिल्स भी देख सकते हैं। प्रोडक्शन सेटअप को एक्टिवेट करने के बाद मास्टर मेन्यू में प्रोसेस मास्टर का ऑप्शन ऐड हो जाएगा, जहां हम फिनिश्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पहली प्रोडक्ट सिंपल आरओ वाटर प्योरीफायर की प्रोसेस ऐड करते हैं। प्रोसेस नेम में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नाम दाखिल करेंगे। क्वांटिटी मल्टीप्लायर में हम फाइनल प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी के लिए प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी दाखिल करेंगे। यहाँ हम एक वाटर प्योरीफायर के लिए प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए एक दाखिल किया है। फिर टैब प्रेस करें। इस सेक्शन में हम जो भी रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वे जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वह, यदि कोई बाय प्रोडक्ट प्राप्त होती है या फिर यदि कोई वेस्टेज निकलता हो तो उसे वन बाय वन ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सभी रॉ मटेरियल्स ऐड कर रहे हैं। टाइप सिलेक्ट करके प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। फिर इनपुट आउटपुट कॉलम में सिलेक्ट किए गए टाइप के अनुसार इनपुट या आउटपुट अपने आप दाखिल हो जाएगा। क्वांटिटी में प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड क्वांटिटी दाखिल करें। बाद में टैब प्रेस करते ही कंपोनेंट का रेट और अमाउंट अपने आप दाखिल हो जाएगा। सभी रॉ मटेरियल्स दाखिल करने के बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट दाखिल करना आवश्यक है। इसलिए टाइप में प्रोडक्ट सिलेक्ट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। यहाँ कोई सेमी प्रोडक्ट यूज नहीं हुई है और ना कोई वेस्टेज प्राप्त होता है तो उसकी एंट्रीज नहीं दाखिल करेंगे। फिर प्रोसेस को सेव करेंगे। यहाँ प्रोसेस के लिए कुछ बेसिक ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रोसेस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए ऑर्डर ऑप्शन और पूरी प्रोसेस की प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट ऑप्शन, प्रोसेस की कॉपी करने के लिए कॉपी ऑप्शन एंड एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट ऑप्शन। अब हम कंपनी मैक्स की दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जो है यूवी लैम्प एंड यूएफ मेम्ब्रेन के साथ एडवांस आरओ वाटर प्योरीफायर। सभी रॉ मटेरियल्स एंड फाइनल प्रोडक्ट दाखिल करके इस प्रोसेस को सेव करें। नाउ कौन से दिन कितना प्रोडक्शन होता है उसका प्रोडक्शन वाउचर दाखिल करने के लिए ट्रांजैक्शन मेन्यू में प्रोडक्शन ऑप्शन में जाए, ऐड बटन पर क्लिक करके नया वाउचर ऐड करेंगे। इस विंडो में डेट में जिस दिन का प्रोडक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं उस तारीख को दाखिल करेंगे। फिर वाउचर नंबर और प्रोसेस दाखिल करके क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर हुई टोटल क्वांटिटी दाखिल करेंगे। क्वांटिटी दाखिल करते ही फाइव क्वांटिटी के लिए यूज किया गया टोटल इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल्स, टोटल अमाउंट एंड टोटल आउटपुट यानी कि फिनिश प्रोडक्ट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक ऐसे ही कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन वाउचर भी जनरेट करते हैं, जिसका उसी ही दिन तीन क्वांटिटी का उत्पादन हुआ है। प्रोडक्शन का रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट मेन्यू में प्रोडक्शन रिपोर्ट में जाए। यहाँ सिलेक्टेड डेट रेंज में दोनों प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी और अमाउंट कंज्यूम हुई है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है
और उसकी टोटल प्रोडक्शन अमाउंट कितनी है इसका डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं। मिरेकल यहाँ एक बहुत ही यूजफुल फीचर प्रदान करता है जो है प्रोडक्शन रिपोर्ट का, जिसके 6 टाइप्स है। यदि यूजर को जानना हो कि उसे पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए कितने रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस सिलेक्ट करके प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे, फिर डिजायर्ड स्टॉक दाखिल करेंगे। मान ले कि हमें एडवांस प्योरीफायर की 4 क्वांटिटी चाहिए, तो इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिपोर्ट इस तरह से मिलेगा। यहाँ ऊपर प्रोसेस नेम, प्रोडक्ट नेम, डिजायर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी 4 है, हमारे पास स्टॉक में 3 पीसेस अवेलेबल है, तो रिक्वायर्ड स्टॉक एक ही रहेगा। तो इस एक पीस के मुताबिक प्रोसेस रिलेटेड कंपोनेंट्स की क्वांटिटी विथ अवेलेबल क्वांटिटी दिखाई देगी। रॉ मटेरियल रिपोर्ट में रॉ मटेरियल्स का रिपोर्ट और रिक्वायरमेंट में रिक्वायर्ड क्वांटिटी का रिपोर्ट मिलेगा। हमारे पास स्टॉक में इनफ क्वांटिटी अवेलेबल है, इसलिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी कॉलम एम्प्टी है। दूसरा टाइप है कॉस्टिंग, जिसमें हम डिजायर्ड क्वांटिटी के लिए कॉस्ट कितनी होगी वो जान सकते हैं। यहाँ हमें प्रोडक्ट की 2 क्वांटिटी के लिए टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड कॉस्टिंग मिला है। इस रिपोर्ट के भी और ऑप्शंस अवेलेबल है। तीसरा टाइप है प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर की गई क्वांटिटी की कॉस्टिंग देख सकते हैं। यहाँ और 3 रिपोर्ट टाइप दिए हुए हैं, जिसे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। और प्रोसेस बटन पर क्लिक करके हम सिर्फ सिलेक्टेड प्रोसेसेस का प्रोडक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्शन पार्ट। परंतु यदि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की सेलिंग पर प्रोडक्शन वाउचर अपने आप जनरेट हो जाए, तो इस ऑटो प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए सेटअप मेन्यू में कंपनी सेटअप में जाकर एडवांस सेटअप कैटेगरी में ऑटो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ऑप्शन पर डबल क्लिक करके सेटअप को एक्टिवेट करेंगे। सेटअप को सेव करके हम जिस प्रोडक्ट के लिए ऑटो प्रोडक्शन को मेंटेन रखना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट्स की डिटेल में जाकर अदर डिटेल्स बटन पर क्लिक करके ऑटो प्रोडक्शन ऑप्शन में यस सिलेक्ट करेंगे और उसकी रिलेटेड प्रोसेस दाखिल करेंगे। तो चलिए हमारे इस प्रोडक्ट की एक सेल्स एंट्री जनरेट करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट सिलेक्ट करके क्वांटिटी दाखिल करते ही इस ऑटो प्रोडक्शन कॉलम में स्टार दिखाई देगा, मतलब है कि इस प्रोडक्ट के लिए ऑटो प्रोडक्शन सेटअप एक्टिवेटेड है। अब इस वाउचर को सेव करें। अब चलिए देखते हैं कि इस सेलिंग का प्रोडक्शन वाउचर जनरेट हुआ है कि नहीं। यह लिस्ट में हम ऑटो जनरेट हुआ वाउचर देख सकते हैं, जिसमें एक वार्निंग मैसेज दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस वाउचर को एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। बस इतने आसान तरीके से हम प्रोडक्शन और ऑटो प्रोडक्शन इन्वेंटरी को मेंटेन रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मिरेकल रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक कीप अकाउंटिंग विथ मिरेकल।